मायसेल्फ गिरिराज चंद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गोल्डन रेंज जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 4 पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें जो दिए है हमारा लेसन है टेल्स ऑफ बिश्नोईज, बिश्नोईज की कहानियां। किस प्रकार से बिश्नोईज की कहानी पता है कि जंबा जी लोगों को दुख को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, कई रात तो वो नींद में बिताते हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती जब वे दूसरों के कष्टों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ वर्ड्स मीनिंग्स टेनेस मिस सिद्धांत, प्रोविशन प्रतिबंध, मैसेज मिस संदेश, ह्यूमैनिटी मानवता, एक्सेप्टेड स्वीकार किए गए, प्रॉम्प्ट क्रियान्वित किए गए, इनहेबिटेंट्स निवासी, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, लाइम मिस चूना, स्टोन मिस पत्थर, फॉलोवर्स अनुयायी, एडर्ड अनुकरण किए गए, प्रीसेप्ट सिद्धांत, प्रोटेक्टेड संरक्षित किए गए, टेरिटरी यानी क्षेत्र, ग्रेजुअली धीरे धीरे, फर्टिलिटी उपजाऊपन, प्रॉस्परस मिस समृद्ध, एवर्डेंट बहुतायत, कंटिन्यूड जारी रहा, डेजर्ट मिस रेगिस्तान, स्प्रेड मिस फैलना, डिसेंडेंट वंशज, कंटेम्परेरी समकालीन, ऑक्यूपाइड कब्जा किया, थॉर सिंहासन, क्लिंस भट्टियां। तो ये हमारे वर्ड्स ब्रेक थी। अब सभी अपने पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 45, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों की पुस्तक में 4600 या 4400 अपना देख लेना ताकि आप अर्थ को ढंग से समझ सके। हिज मैसेज इंक्लूडेड, तो हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स। उसके संदेश में जो बेसिक 29 टेनेट्स 29 सिद्धांत शामिल किए गए थे। कितने सिद्धांत शामिल किए गए थे? 29। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स वर, जो मेजर कमांडमेंट्स थे, मेजर का मतलब होता है बड़े, कमांडमेंट्स यानी आदेश, अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रेट ट्री, एक तो किसी भी हरे भरे पेड़ को काटने के विरुद्ध था, और किलिंग ऑफ एनी एनिमल, दूसरा क्या था, किसी जानवरों को मारना। तो दो बड़े सिद्धांत, पहला था किसी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटा जाए, दूसरा सिद्धांत था जंगली जानवर का शिकार न हो। जंबाजी द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट, तो जंबाजी के जो संदेश थे मानवता एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी सजीव प्राणियों के प्रति जो सम्मान के लिए था, वाज ईगरली एक्सेप्टेड, उसे उत्सुकता पूर्वक उसे स्वीकार किया गया। ये जंबाजी ने जो 29 सिद्धांत बनाए थे ना, उनको सब लोगों ने क्या है, स्वीकार किया था। हिज टीचिंग्स क्या है बताइए, हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्ट द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, उसकी जो शिक्षाएं थी सैकड़ों गांवों के लोगों ने उनको क्रियान्वित की, जो शिक्षाएं जो दी थी ना जंबाजी ने उनको क्रियान्वित की, उनका पालन किया था। टू रिक्लॉथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, अपने इस पृथ्वी को इस हरे भरे आवरण से
ढकने के लिए उसने क्या किया था? जंबाजी की शिक्षाओं को क्रियान्वित करना प्रारंभ किया। जंबाजी के फॉलोवर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। अब जंबाजी के जो अनुयायी थे उन्हें 29ers या बिश्नोईज के नाम से जाना गया। क्या कहते थे उसको? बिश्नोईज या 29ers। इसका अर्थ भी बिश्नोईज ही होता है। 20 यानी क्या होता है? 20। 9ers यानी क्या होता है? 9। 20 प्लस 9 बराबर कितना? 29। तो बिश्नोई हो गए ना। इस प्रकार से इनको बिश्नोईज के नाम से जाना गया। अब क्यों जाना गया था? बिकॉज दे एडर्ड टू द जंबाजी 29 प्रीसेप्ट। क्यों? उन्होंने जंबाजी के 29 सिद्धांतों को अपनाया था, इसलिए उन्हें बिश्नोईज के नाम से जाना जाता है। दे प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड दियर विलेजेस। उन्होंने अपने गांव के आसपास पेड़ पौधों की भी सुरक्षा की। प्रिजर्व में सुरक्षा करना, अपने गांव के आसपास पेड़ पौधों की क्या की उन्होंने? सुरक्षा की। एंड प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्ट संरक्षण प्रदान किया ब्लैक पक्स चिंकारा पी फाउल एंड अदर बर्ड्स एनिमल्स। जंगल में तो जंगली जानवर थे उनका उन्होंने संरक्षण किया था। ग्रेजुअली धीरे धीरे डियर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज। तो डियर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, उनका क्षेत्र पेड़ पौधों से आच्छादित हो गया। उनके क्षेत्र में क्या वापस वो कभी पेड़ पौधे क्या है उग गए और धरती वापस हरी भरी हो गई। अब बताओ क्यों हो गई थी? क्यों? जंबाजी के 29 सिद्धांतों को अपनाया था, पेड़ पौधों को काटने पर प्रतिबंध था उसका पालन किया, जंगली जानवरों का शिकार नहीं किया, तो पेड़ पौधे बढ़ने लगे। तो ग्रेजुअली डियर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाई ट्री, पेड़ों से ढकने लगे। डियर केटल हेड एवरडेंट ब्राउज। अब उनके जो जानवर थे ना उनके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उत्पन्न हो गया, हरा चारा। ब्राउज का मतलब होता है ग्रीन ग्रास। डियर लैंड कवर्ड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और उसकी जो जमीन थी उसने भी अपने उपजाऊपन को पुनः प्राप्त कर लिया। जो उनकी जमीन बंजर हो गई थी ना वो वापस उनकी जमीन क्या हो गई? उपजाऊ। आगे दिए एंड द बिश्नोईज बिकेम प्रॉस्परस अगेन। तो द बिश्नोईज बिकेम ए प्रॉस्परस पीपुल। अब बिश्नोईज जो थे एक समृद्ध क्या बन गए? लोग हो गए। अब बिश्नोईज क्षेत्र में तो ऐसा चलता रहा लेकिन उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या हुआ यह भी हमें ध्यान रखना है। बट आउटसाइड डियर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर। लेकिन उनकी सीमा क्षेत्रों के बाहर पहले जैसा ही जारी रहा। द लैंड वाज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर। जमीन जो थी वहां की भूमि उस अपने हरे भरे आवरण को क्या है? खो रही थी। वहां की हरियाली क्या है? नष्ट हो रही थी। एंड द डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और क्या हो रहा था? रेगिस्तान फैल रहा था। डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, रेगिस्तान फैल रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ जंबाजी। अब जंबाजी के नवे वंशज कौन से नंबर के थे? 9 नंबर। कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी, राव जोधाजी के समकालीन। नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, यानी जंबाजी के नवे वंशज थे उन्होंने जोधपुर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो इन द सिक्स, अब राव जोधाजी के नवे वंशज
कौन थे जंबाजी के समकालीन, कौन थे बताइए? उसका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था? ध्यान रखना, अभय सिंह। तो इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ हिज रेन, उनके शासन काल के छठे वर्ष में, कब की बात है? 1730। दिस महाराज अभय सिंह, आ गया नाम, उस महाराज अभय सिंह ने डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस, एक महल बनाने का निर्णय किया फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, कि कुछ नहीं मुझे नया अपना खुद का महल बनाना है। तो ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, और जोधपुर का प्रसिद्ध लाल रेड सैंडस्टोन, रेतीला पत्थर, उससे मकान यानी महल बनाया गया। दिस वुड नीड, अब महल कैसे बने? केवल इच्छा से तो नहीं बनता है, उसे सामग्री भी चाहिए। तो दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, इसके लिए चूने की आवश्यकता थी, बहुत सारा चूना चाहिए था। कहां से आएगा? लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट एवंडेंट इन दिस ट्रेक, चूने का पत्थर तो इस क्षेत्र में बहुतायत में मिलता था, चूने का पत्थर तो उपलब्ध था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन चूना कैसा मिलता है? कच्चा, कच्चा चूना था, उसको क्या करना पड़ता था? पकाना होता था। जैसे पहले के जमाने में मकान बनते थे ना, चूने को पहले पकाते थे। एंड द लाइम क्लींस वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल, और चूने की भट्टियों के लिए, अब चूने को पकाने के लिए बहुत सारे हमको क्या है, ईंधन की आवश्यकता थी। अब इस अकाल में ईंधन कहां से आया? लकड़ियां कहां से आई? पेड़ पौधा ही नहीं बचा, तो इसके लिए हमें क्या था, बट उसको बहुत सारे ईंधन की हमको आवश्यकता थी। तो यहां पर मैं इस बिंदु को कंप्लीट करता हूं। अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ हम फिर मिलेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पसंद आने पर लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।